नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर कर लें। आज हम 6 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। 6 स्टॉक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इनको आप हॉट स्टॉक मान सकते हैं, मल्टी बैगर मान सकते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 6 स्टॉक में पूरी तरह से पोटेंशियल है। आप सभी लोगों को पता है, कोई नए स्टॉक नहीं, इनसे रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पर बात करता हूँ। इजी टिप प्लानर की बात करें दोस्तों, तो ये स्टॉक की अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, सीईओ की बात करूँ, तो उनकी एक पॉजिटिव कमेंट्री के कारण इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। और अभी मेरे पॉइंट से तेजी रुक भी नहीं सकती, हो सकता है कि आने वाले समय ये स्टॉक और भी तेजी दिखा सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बीबीएल को आप चाहे तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे पॉइंट से, आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं। मझगांव डक HLA की बात करें या HBL पावर की बात करें, एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इन स्टॉक को भी चाहे तो अपने रडार पे रख सकते हैं। देखिए स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे है, तो इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पॉइंट से दोस्तों अगर किसी स्टॉक को आपने 3,000 रुपये में बाइंग कर लिया और वो कल स्टॉक आ गया 2,500 रुपये पे, तो आप विंदास ऑरेजिंग कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक है, मतलब क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है। कोई अभी जो कि मतलब आपने बाइंग कर लिया, कल बिजनेस खत्म होने वाला नहीं, इनकी बिजनेस जो है कि लॉन्ग टाइम में चलने ही वाली है। ये चैनल भी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे में मतलब कि शॉर्ट टाइम तो यहाँ बात ही नहीं होती है। मेरे पॉइंट भी स्टॉक बता रहे हैं दोस्तों, इसको आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब अपनी स्टडी कर सकते हैं, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। पहला स्टॉक हमारा HBL पावर सिस्टम है दोस्तों। HBL पावर सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार डिस्कस किया दोस्तों, ये कभी कंपनी मतलब देखा जाए तो बैटरी से रिलेटेड काम कर रही है। तो आने वाले समय में बैटरीज की यूजेस आप सभी लोगों को पता है ज़्यादा से ज़्यादा होते हुए दिखेंगे। अभी तक की अगर मैं बात करूं, तो एक महीने में ये कंपनी मतलब कि 8% का रिटर्न बना के दे दिया। 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 125% का रिटर्न है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कि ये कंपनी एक बार भाग गई तो फिर गिरावट नहीं दर्ज करती है, ये भी एक खासियत है। और लगातार इस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी ही देखने को मिलती है। जैसा कि अगर आप इसके एक साल के चार्ट को देखें तो 350% का, वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूं तो लगभग 1500% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि आज अगर मैं बाइंग करता हूं तो कल स्टॉक में गिरावट चालू हो जाएगी, तो नहीं। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई जो कंपनी का है 450-450 रुपये के आसपास से कंपनी चल रही है। 52 वीक का हाई जो है कंपनी का लगभग 480 रुपये, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे कंपनी अवेलेबल नहीं है। इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूं, तो मतलब जिस टाइप की कंपनी है, जितनी छोटी कंपनी है, देखिए बैटरी सेगमेंट को भी बिलोंग करने वाली जी बहुत ही छोटी कंपनी, मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, कोई बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी नहीं है। तो ऐसे में आपसे बताना चाहते हैं उसी टाइप की कंपनी के बिजनेस भी देखने को मिल रहे हैं। अभी तक कंपनी का रेवेन्यू, सेल्स, EPS सारा कुछ जो है कि मतलब आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ अच्छे हैं। तो इस पॉइंट से आप चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इस स्टॉक में गिरावट होगी, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये स्टॉक के देखिए गिरने के बहुत ही कम चांस है, फिर भी हो सकता है कि कंपनी मेरे पॉइंट से 400 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं हाई की बात करूँ, तो ये कंपनी अगर 500 के लेवल को तोड़ती है तो आने वाले समय में एक मतलब कि और भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि इस कंपनी में पूरी तरह से पोटेंशियल देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने भी बहुत सारे कैपेक्स करके रखा है लॉन्ग टाइम के लिए। स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी है। एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी कंपनी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड काम करती है। हालांकि आप देख भी सकते हैं कि अभी ये कंपनी कई दिनों से फ्लैट कारोबार कर रही है। अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 11% का रिटर्न बना के दिया, लेकिन अगर वहीं पे यहाँ पे अगर आप नवंबर से देखेंगे अभी तक, तो ये कंपनी एक फ्लैट ही कारोबार कर रही है। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि कोई भी कंपनी अगर कंसोलिडेशन फेस में है या मतलब कि गिरावट दर्ज कर रही है, तो अगर कंपनी के बिजनेस अच्छे हैं तो उसमें आप निवेश करके चलिए, पैसा आपका लॉन्ग टाइम में बनने ही वाला है। यहाँ पर ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, छोटी कंपनी दोस्तों, तो रिस्क तो बना ही रहता है। रिस्क बना रहता है मतलब क्या है, कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में रिस्क कोई नहीं है। हाँ, एज ए शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एज ए शेयर मार्केट के हिसाब से देखेंगे, तो वॉलेटाइल आपको देखने को मिल जाएगा। एमटा टेक्नोलॉजी के लिए अगर कुछ न्यूज होता है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि न्यूक्लियर से रिलेटेड, अगर मैं न्यूक्लियर सेक्टर की बात करूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं पावर इंडियन स्पेस मिशन में, जो कि इसरो चीफ की अगर मैं बात करूं, तो इनकी भी बात अगर आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, इनका जो मानना है कि मतलब इंडिया से न्यूक्लियर सेक्टर विल पावर फ्यूचर, इंडियन स्पेस मिशन जो कि थ्रू न्यूक्लियर प्रोपल्शन के थ्रू, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया दोस्तों, कि अगर इस न्यूज़ को पूरा आप पूरी तरह से क्लिक करेंगे तो आपको पूरी तरह से जो कि देखने को मिल जाएगा। ये सारी बातें दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए बातें हो रही है, मतलब ये रेडी कब होगा, लगभग 2028 की बात हो रही है, मतलब आज की बात नहीं हो रही है। वहीं पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर सेटेलाइट से रिलेटेड, फॉर G20 कंट्रीज से रिलेटेड, मतलब जो भी है दोस्तों आपसे बताना चाहते, देखिए ये सारी जो भी बातें हो रही है लॉन्ग टाइम के लिए बातें हो रही है। अगर आपको न्यूक्लियर पर भरोसा है तो आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब कि एमटा टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना फोकस बना के चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कंपनी में आज के दिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बना, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो लगभग 73% माल डिलीवरी में उठाया गया। इसको क्या पॉजिटिव वे में नहीं लेंगे, इसको भी थोड़ा सा आप चाहे तो पॉजिटिव वे में लेके चल सकते हैं।
ऐसे में अगर स्टॉक में गिरावट हुई दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से देखिए कंपनी ने एक साल में लगभग 33% का रिटर्न बना के दिया है। और आज ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इसको हायर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 25% के आसपास ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो जो डेटा पैटर्न का सीनेरियो है दोस्तों, वही इस कंपनी का भी है। जिस समय ये कंपनी चलना स्टार्ट करेगी उसी टाइम डेटा पैटर्न HLA की बात करें तो ऑलरेडी चल चुका है, मझगांव डक की बात करें तो भी चल ही रहा है। जैसा अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 112% का कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया। हाँ, गिरावट होती है तो इसके गिरने के बहुत ही कम चांस है, फिर भी 2018 तक ये कंपनी आ सकती है। वही पे तेज़ी की बात करें तो 2500 के लेवल को अगर ये कंपनी तोड़ती है तो 3000 तक भी टच कर सकती है। वही पे अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, आज भी कंपनी 3074 रुपये का हाई लगाया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी के आसपास जो इसका पुराना हाई है दोस्तों, तो 3080 रुपये का उसके आसपास कंपनी जाती हुई दिख रही है। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूज आते रहते हैं, तो इसको चाहे तो मतलब कि आप न्यूज़ बेस वाला भी स्टॉक कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एज ए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दोस्तों, एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यूज कवर करना है, न कि एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मतलब कि न्यूज़ को कवर करते हैं तो आपका लॉन्ग टाइम में पैसा बनेगा ही। जैसा अगर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 8%, वहीं पे 6 महीने की बात करें तो 60% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम इसको यहाँ पे 60-70% के आसपास रिटर्न निकल जाएगा अगर हम इसको लोअर लेवल से कैलकुलेट करेंगे। वहीं पे अगर एक साल की बात करेंगे तो एक साल में 150% के आसपास रिटर्न बना के दिया। मतलब क्या, पूरा PSU सेक्टर दोस्तों, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं कि मतलब 5 रुपये वाला स्टॉक हो और चाहे 50 रुपये वाला हो, सब में अपने को एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है दोस्तों, भविष्य के लिए इस कंपनी को बहुत सारे लोग जो है कि बाइंग कर रहे हैं, तो आप भी चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस बना के चल सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आने वाले समय में मुझे पता है दोस्तों कि बहुत सारे जो नॉर्मल रिटेलर हैं दोस्तों, वो इस कंपनी को मतलब 5000 रुपये पर बाइंग करेंगे। जो हमारा 3000 रुपये का टारगेट था दोस्तों, वो तो अचीव हो गया है, लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी 5000 के लेवल को भी टच करेगी। अगला स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी कंपनी आज के दिन एक फ्लैट कारोबार किया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। हाँ, इस कंपनी में एक मतलब रिस्की पॉइंट है। रिस्की पॉइंट क्या है दोस्तों, कि कुछ स्टेक इनके सेल होने हैं। सेल कब तक होंगे, हमने पहले बताया था कि अगस्त तक हो सकता है, 2024 में सेल हो सकते हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले न्यूज आई है दोस्तों, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कुछ फाइनेंशियल मतलब जो ऑफिसर से बात होने के बाद, बहुत सारे न्यूज़ पे आपने देखा भी होगा, हमने भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि मार्च तक हो सकता है कि ये सारी प्रोसेस पूरी हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हो सकता है कुछ डिस्काउंट पे अवेलेबल हो। जैसे ही OFS वाला दोस्तों जो खतरा है वो जैसे ही टलेगा, ये भी स्टॉक एक रॉकेट बन जाएगा। हालांकि रॉकेट बनने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेंगे, तो आपसे एक डिस्क्लेमर और भी देना चाहते हैं कि कंपनी आने वाले समय थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्लो भी चल सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं दोस्तों, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए बनते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हाँ ऑर्डर मिल गया आज इनको 10000 करोड़ का तो अगले साल भी 20000 करोड़ का, नहीं। एक बार अगर इनको ऑर्डर मिल गया तो जो भी प्रोडक्ट का ऑर्डर रहेगा वो लॉन्ग टाइम में मतलब वर्क करेगा, लगभग 3 से 2 साल, 5 साल, 2 साल, साल भर के ऊपर आप कह सकते हैं कि इनके एक प्रोडक्ट बन के रेडी होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप स्लो वे में इसको ले सकते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कंपनी मतलब कि थोड़ी सी अपने को वीकनेस भी देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की एक साल की बात करूं तो आज भी कंपनी 150-200% के आसपास रिटर्न बना के दे रही है, और अभी की बात करें तो कंपनी एक साइडवेज पैटर्न में चल रही, कंसोलिडेशन फेज में चल रही, तो आप चाहे थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टाइम ओरिजन है तो। वही अगला स्टॉक हमारा EZT प्लानर है। EZT प्लानर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो निशान पिट्टी की बात करें, जो कि उन्होंने बता दिया, मतलब प्रशांत पिट्टी, निशान पिट्टी, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने कह दिया है कि मालदो की जितनी भी फ्लाइट थी दोस्तों, उसको अभी उन्होंने मतलब कि स्टॉप कर दिया है, रद्द कर दिया है। और जितनी भी इंडिया में दोस्तों मतलब कि बहुत सारे अभी वो क्या करेंगे, ऑफर्स चलाएंगे दोस्तों, बहुत सारे ऑफर्स अगर वो चलाएंगे तो उसके बाद देखा जाए तो जाहिर सी बात है ऑफर्स के थ्रू बहुत सारे टिकट्स बुकिंग होंगी, कुछ शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा मतलब कि कलेक्शंस आते हुए दिखेगा। तो इस सभी पॉइंट को नोट करके मतलब देखा जाए तो अभी मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। मालदीव से मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे वही न्यूज आपको देखने को मिलेगा। EZT प्लानर CEO निशान पिट्टी की बात करें तो इन्होंने सस्पेंड किया था, मालदीव की जितनी फ्लाइट थी, टिकट थे, सारे बुकिंग जो है कि कैंसिल कर दिए थे। उसके बाद इंडिया में इन्होंने मतलब कि लक्षद्वीप के लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स भी चलाए हैं, जो कि मतलब देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों लाइव मतलब कि कल मतलब कि आपने देखा होगा कि उन्होंने मतलब कि आकर के कमेंट्री भी किया था। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक को थोड़ा सा हम ट्रेडिंग वाला स्टॉक मानते हैं, फिर भी देखा जाए तो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में देखा जाए तो एक अच्छा खासा मतलब वैल्यूम तो पहले से ही क्रिएट होता है, फिर भी जो डिलीवरी माल उठाया गया मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं डिसेंट उठाया गया, मतलब इतना पहले नहीं उठाया जाता था। 35% 36% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया है।
हालांकि इजी टिप प्लानर को जिसको भी बाइंग करना है दोस्तों, आप अगर आप लॉन्ग टाइम का ओरिजन है आपको, तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के बारे में सोच करके बाइंग कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 6 महीने में 5% है, 1 साल की बात करेंगे तो 13% आज भी कंपनी डाउन है, मतलब 70-72 की प्राइस से आज भी कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, ये कंपनी की अगर मैं खासियत की बात करूँ तो मोनोपॉली तो नहीं कर सकते, फिर भी अपने सेक्टर में ये कंपनी मोनोपॉली क्रिएट करती है। ऐसा क्यों दोस्तों? कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है दोस्तों, प्रॉफिटेबल कंपनी जिसके कारण इसको आप मोनोपॉली भी कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा BBL है दोस्तों, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करें तो देखिए ये स्टॉक हमारा मतलब सुपर टॉपिक भी आप इसको मान सकते हैं, कि इस कंपनी में मैं काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखता हूँ। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की खासियत क्या है कि 3-4% जो भी मतलब अगर आपको महीने में हफ्ते में 4-5% का रिटर्न चाहिए तो इस कंपनी में आप जा सकते हैं। अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5-6% का कंपनी रिटर्न बना के दे दिया। वहीं पर अगर आप 1 महीने में देखेंगे तो 17% का है, 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 60% का है। यहाँ पर अगर मैं 1 साल की बात करूँ ना तो 101%, मतलब क्या है दोस्तों कि 1 साल में कंपनी ने पैसे को डबल किया है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन आप इस कंपनी को मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों आज के दिन मैं इस कंपनी को पूरी तरह से मतलब कि रडार पर रखा था, क्यों? क्योंकि आपसे बताना चाहते जो 1300 के ऊपर अगर ये कंपनी कुछ दिनों तक सस्टेन करती है तो आने वाले समय में कंपनी 1500 के लेवल को जल्द से जल्द भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। वहीं पे आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, 1297 रुपये के आसपास कंपनी ने क्लोजिंग दिया है। 1309 रुपये का इस कंपनी का हाई देखने को मिला था, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए इस कंपनी से रिलेटेड भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ इतना खास न्यूज़ देखने को मिलते नहीं है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी के CEO की बात कर, देखिए कंपनी बड़ी है तो बहुत सारे एनालिस्ट अपने अपने लेवल पे जो एक कमेंट्री करते रहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट की बात करें तो अपने अपने लेवल पे जो एक कुछ ना कुछ आए दिन आपको न्यूज़ देखने को मिलते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि कंपनी एस्टिमेशन भी बीट नहीं करती, फिर भी ऑल टाइम हाई महीने में एक बार जरूर लगा देती है। आज की अगर हम बात करूं तो आज आप देख सकते हैं 2% की तेजी देखने को, 60% माल डिलीवरी में उठाया गया, 15 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 1380 रुपये का कंपनी ने 20 दिसंबर को हाई लगाया था, जो कि पूरी तरह से एक महीना नहीं हुआ है, अभी तो पूरा जनवरी का महीना बाकी है, हो सकता है कंपनी एक बार फिर से नया हाई लगा सकती है। इस स्टॉक को हमको बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, जो भी रिटेलर बाइंग करना चाहते, देखिए किसी भी प्राइस पे आप बाइंग करेंगे आपका प्राइस जो है कि रिकवर होगा, आपको रिटर्न भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी दोस्तों मतलब कि नहीं आपने बाइंग कर लिया तो आप परेशान होंगे। आप इस कंपनी के चार्ट भी देख सकते हैं, अगर 5 साल की बात करें तो 1000% का रिटर्न है। वही भी आप अगर यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, मतलब कि कंपनी ने कोई भी वॉलेटाइल आपको देखने को एकदम मतलब साइड बेस पैटर्न में एकदम अच्छा खासा चार्ट है दोस्तों, मतलब कि एकदम रॉकेट की तरह आप कह सकते हैं चार्ट बना है। तो इस पॉइंट से दोस्तों आप जो भी मतलब रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा, अगर गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से 1250 रुपये तक, लास्ट 1200 रुपये तक आ सकती है। हालांकि वहीं पे तेज़ी की बात करें तो कंपनी जल्द से जल्द 1330-1320 तक कुछ दिनों तक ट्रेड करती है, तो हो सकता है कि 1500 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।